कुछ ना रहते हुए भी वो सुखी है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। धन के रहते हुए भी वो दुखी है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में के रहते हुए भी, या फिर होते हुए भी, या फिर हम जैसे बोलते हैं होने के बावजूद भी, ये सब यूज़ किया गया है। के रहते हुए भी, होते हुए भी, होने के बावजूद भी, इन तीनों का सेंस एक ही होता है। इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज यूज होती है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ और यू कैन यूज डिस्पाइट। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट आपके चॉइस के हिसाब से। इसके बाद आपको यूज करनी है नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो आएगा उसको लिख दिया जाएगा। इसके बाद सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ ना रहते हुए भी वो सुखी है। इन स्पाइट ऑफ नथिंग ही इज हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ नथिंग ही इज हैप्पी। इन स्पाइट के बदले में आप डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं। और यू कैन से इन स्पाइट ऑफ हैविंग नथिंग ही इज हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नथिंग ही इज हैप्पी। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। In spite of everything, he has nothing. In spite of everything, he has nothing. Or you can say, in spite of having everything, he has nothing. In spite of having everything, he has nothing. पुत्र के रहते हुए भी वो असहाय है। In spite of sons, he is helpless. In spite of sons, he is helpless. Or you can say, in spite of having sons, he is helpless. धन के रहते हुए भी वो दुखी है। इन स्पाइट ऑफ वेल्थ ही इज अनहैप्पी। इन स्पाइट ऑफ वेल्थ ही इज अनहैप्पी। और यू कैन से इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेल्थ ही इज अनहैप्पी।